guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of fluid art videos जो मैंने आपको पहले ही बताया था in my previous video कि मैं इस video के 3 part लाऊंगी and this is the second part of the video जिसमें मैं आपको fluid art work कैसे करते हैं उसकी कुछ tips और कुछ amazing tricks बताऊंगी and मैं क्या क्या material use करती हूँ, कहाँ से use करती हूँ, कितना quantity में use करती हूँ, आप कहाँ से उन्हें purchase कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब भी हैं इस video में. तो आई होप कि वो आपको हेल्प करें एंड वो आपको हेल्प करें इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो एंड इफ़ आपकी कोई भी क्वेरी हो इसके बाद भी देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई होप कि वो आपको हेल्प करें एंड अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि किस क्वान्टिटी में हम कलर्स अप्लाई करते हैं, क्या क्या कलर अप्लाई करते हैं और कौन सा बेसिक मीडियम यूज़ करना चाहिए और काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं. बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी इसे रहती है कि हम ये स्टेप कैसे कर सकते हैं या आप ये स्टेप कैसे की इसको दोबारा बता दी, तो आप वो सारे स्टेप्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. मैं उन सारी क्वेश्चंस का रिप्लाई शॉर्टली करूँगी. एंड वन मोर थिंग, थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स कि आपने फर्स्ट वीडियो में ही मुझे इतना सारा प्यार दिया एंड आई एम ग्लैड कि इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड आगे भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते रहेंगे. सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द वीडियो एंड जो भी क्वेरी होगी प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन ये था कि मैं कौन सा मीडियम यूज़ करती हूँ. तो मैं एक्चुअली एक्रेलिक मीडियम यूज़ करती हूँ के वाले ये आते हैं. ये एक्रेलिक मीडियम प्रीमियम है. ये अभी मैंने न्यू अमेजोन से, बेसिकली मैं इसे अमेजोन से मंगाती हूँ एंड इसका प्राइस 400 समथिंग पड़ जाता है आपको और 135 ml है तो इनफ होता है, लाइक काफ़ी टाइम तक चल जाता है. तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि हमारी जो कलर्स होते हैं उसकी थोड़ी लिक्विडिटी नॉर्मल रखता है, ना ज़्यादा थिक करता है ना ज़्यादा लिक्विडिटी करता है, एकदम नॉर्मल लगता है. तो जब आप इसको कलर के साथ मिक्स करके अपने फ्लूइड आर्ट में यूज़ करेंगे तो कलर काफ़ी स्मूथली आपके आसानी से कहीं पे भी फ्लो, मतलब उस पर शीट पे हो सकते हैं ईजिली. सो ये एक्रेलिक मीडियम मैं यूज़ करती हूँ. जैसे आप देख ही सकते हैं मेरा ये एक बॉटल मतलब पूरा हाफ हो चुका है, मतलब ये, और मैंने इसे एक के साथ एक बार में दो पैक मंगाती हूँ मैं हमेशा, ताकि क्योंकि ये काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ता है. एंड या आप में से ये भी पूछ रहे थे कि वार्निश के लिए भी क्या आप यूज़ करते हैं लिक्विड मीडियम, तो यस ये लिक्विड मीडियम मैं वार्निश के लिए भी यूज़ करती हूँ. तो उससे क्या होता है कि लाइक जो भी हमारा, जैसे कि ये वर्क आप देख सकते हैं, तो जैसे ये वार्निश यूज़ करने से हमारा जो भी सरफेस होता है जिस पर हम वार्निश यूज़ करते हैं तो वो परमानेंटली रह जाता है. एंड लिक्विड वार्निश का भी बहुत फ़ायदा रहता है कि लाइक उस शाइनी थोड़ा सा इफेक्ट दे देता है. आप स्प्रे वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी यूज़ करती हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं कलर्स कौन सी यूज़ करती हूँ. तो मैं फैब्रिक एक्रेलिक के नॉर्मल कलर्स यूज़ करती हूँ और फैब्रिक कासिल के और भी कलर्स आते हैं वो भी यूज़ करती हूँ. आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं. और मैं, आपने पूछा था मेटालिक कलर्स, तो वो भी मैं फैब्रिक एक्रेलिक के ही मेटालिक कलर्स यूज़ करती हूँ. ये सब आपको ईजिली अमेजोन पर मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है. एंड आपने से काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि मैं कौन से गोल्ड फ्लिक्स यूज़ करती हूँ एंड मैं उसे कैसे अटैच करती हूँ. तो मैं ये गोल्ड फ्लिक्स यूज़ करती हूँ. ये है ग्लाइडिंग फ्लिक्स रोज़ गोल्ड 120 ml और ये काफ़ी टाइम से, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं आता, ये आप थोड़ा सा भी लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दे देगा. इसका आपको सेल ये इंस्टाग्राम पे भी होता है और ये आपको अमेज़ॉन के थ्रू भी मिल जाएगा. एंड उसके लिए आपको चाहिए, इसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक मीडियम ग्लॉस अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप गोल्ड फ्लिक्स अप्लाई कर सकते हैं. वरना गोल्ड फ्लिक्स क्या है कि अगर आप किसी और ग्लू से अटैच करने की ट्राई करेंगे तो वो इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं होगा आपकी शीट पे, आप जिस भी मीडियम पे अपना गोल्ड फ्लिक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं. और ये इसका ग्लॉस मीडियम है, इसको मिक्स्ड मीडिया एसेंशियल के नाम से, फॉइल मैजिक ग्लू के नाम से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि गोल्ड फ्लिक्स के ग्लू कौन से होते हैं. तो ये आपको ईजिली अमेजोन पर भी मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा. सो ये थे जो बेसिक सामान थे जो मैं यूज़ करती हूँ, बेसिक आइटम्स थे. और मैं हमेशा पेपर कप में अपनी जो भी है, जो भी मीडियम्स एंड वाटर और सबको मिला करके अपना कलर बनाती हूँ एंड देन फिर मैं अप्लाई करती हूँ. लाइक डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ में मत अप्लाई करिए, क्योंकि जो ये मीडियम होता है वो आपके हैंड्स पे अटैच्ड हो जाएगा एंड काफ़ी 2-4 दिन लगेंगे आपको उसको निकालने में और उससे आपका हाथ ख़राब होगा. सो बेसिकली आप पेपर इसका पेपर कप्स का यूज़ करें एंड ग्लव्स, प्लीज़ ग्लव्स तो ज़रूरी पहने, नहीं तो आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे. तो फिर ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैक कैनवास बोर्ड लिया है. इसकी साइज़ है 6x6 inches. हम इसके नीचे कुछ बेस डालेंगे क्योंकि एक्चुअली हम ऐसे थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड मोल्ड करेंगे, तो इसलिए हम एक बेस डालेंगे. तो पहले मैं अपना कैनवास इधर पे रख दी एंड देन मैं अब ग्लव्स, पहले आप कोई सा भी ग्लव्स ले सकते हैं, प्लास्टिक का या जो भी आप सुटेबली अपने असाइनमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस वन.
सो मैं पहले आपको ये काम करती हूँ, कलर की लिक्विडिटी कितनी रखनी चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ. सो आज हम बनाएंगे पर्पल. एक सेकेंड आपको दिखाना है. तो आज हम जो बनाएंगे उसमें हम लेंगे पर्पल. पर्पल के मेरे पास दो शेड हैं, एक तो आई गेस पर्पल है और एक वॉयलेट है. और हम बेस कलर के लिए वाइट लेंगे, आप ब्लैक भी ले सकते हैं. लाइक बेस कलर आपका ऐसा होता है कि बेस कलर आपके जो अदर कलर्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए होता है. तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट से डार्क कलर कोई भी आप ले सकते. तो मैं बेस के लिए वाइट लूँगी एंड देन ऑरेंज रिक्वेस्टेड बाय माई फॉलोअर. तो ये कलर कॉम्बिनेशन लूँगी. तो अब मैं आपको इसमें से सबसे पहले ये बताऊँगी कि कितना आपको इसमें मीडियम यूज़ करना है. तो पहले हम लोग मीडियम लेंगे. मीडियम के आपको ज़्यादा नहीं, पहले दो तीन ड्रॉप्स ही यूज़ करने. मैंने एक दो चार पाँच, मतलब आपके कप के, लाइक इस कप के आपको हाफ तक मीडियम रखना है. थोड़ा सा और ले लेते हैं. ये आपके नॉर्मल कलर के लिए, आपके बेस कलर के लिए नहीं है. ये जो आप नॉर्मल बेस कलर के ऊपर कलर्स डालेंगे उसके लिए है. एंड देन थोड़ा सा हम लोग वाटर लेंगे. वाटर आप कैसा भी वाटर ले सकते हैं. वाटर बस थोड़ा सा, लाइक वन ब्रश इतना ही बस. पानी एकदम कम डालिएगा. अगर आपने पानी ज़्यादा डाला तो फिर आपका कलर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और वो पूरे बेस कलर के साथ फैल जाएगा और वो ज़्यादा अच्छा कलर नहीं देगा. इतना करने के बाद अब हम अराउंड वन स्पून अपना नॉर्मल एक्रेलिक कलर, फेवी एक्रेलिक कलर इसमें डालेंगे. दैट्स ऑल. और अब हम इसमें कलर को हम मिक्स करेंगे. आप कलर मिक्स करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते, कोई भी आपके पास ट्यूब हो या कोई भी कुछ भी यूटेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं कलर को मिक्स करने के लिए. अब इसको एकदम अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है. कलर आपको उतना ही मिलाना है कि जो वार्निश की वाइटिश कलर है वो आपके कलर को ऐसा मतलब लाइट ना कर दे. तो आपको कलर इतनी क्वांटिटी में मिलाना है कि वार्निश का जो कलर है, वार्निश और कलर प्रॉपरली मिक्स हो जाए. जैसे कि ये, तो वो कलर आपका डार्क फॉर्म में आ जाएगा. नहीं तो अगर आपने कलर कम मिलाया, बेस कलर या जो भी कलर आपने, लाइक ऑरेंज कलर मैंने अगर कम मिलाया होता तो वार्निश उस कलर को लाइट कर देता, तो वो प्रॉपर उस पर नहीं आता. तो यहाँ अब हम बाकी कलर्स को एक बार बना देंगे. आप अपनी लिक्विडिटी के, आपको जितना लिक्विडिटी रखना है उसके हिसाब से आप अपनी वार्निश और अपने वाटर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. लाइक मैं ज़्यादा थोड़ा हमेशा लिक्विडिटी ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि अच्छे से वो फैल जाए. नेक्स्ट अब हम बेस कलर बनाएंगे. सो बेसिकली बेस कलर में मैं मीडियम का कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेस कलर की अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा रखेंगे तो वो इजीली, मतलब ऐसा होता है कि अगर बेस कलर की आप लिक्विडिटी ज़्यादा रखेंगे और आप उसके ऊपर कोई अदर कलर अप्लाई करेंगे तो बेस कलर इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है कि वो जो आपने ऊपर नेक्स्ट कलर अप्लाई किया वो अपने साथ फ्लो में उसे ले जाता है एंड वो सारा कलर नीचे फॉल हो जाता है, तो वो कलर वेस्ट हो जाता है. तो उसके लिए आपको बेस कलर में मीडियम का कम यूज़ करना होता है. एंड जो बेस कलर में ज़्यादातर आप कलर्स का ज़्यादा यूज़ करें, कलर को हल्का सा मीडियम, एक दो बूंद मीडियम में आप डालें बस, उससे ज़्यादा नहीं. सो या लेट्स मेक बेस कलर फर्स्ट. सो आपने देखा मैंने हाफ ऑफ द बॉटल पूरा, लाइक बेस कलर के लिए मैंने ज़्यादा कलर लिया है. एंड अब मैं उसमें थोड़ा सा मीडियम डालूँ. ब्लश मैंने कहा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको वो कलर थोड़ा सा जो भी बेस कलर से ब्रश में लेकर के साइड्स में थोड़ा सा अप्लाई कर देना है, ताकि एंड में, जैसे कई बार होता है कि फ्लूइड आर्ट में कलर साइड तक नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही नीचे ड्रॉप होने लगता है, गिरने लग जाता है, तो उससे साइड्स में इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता है. तो आप हल्का हल्का पहले थोड़ा बहुत साइड्स में आप कलर लगा लें ताकि वो खराब से ना लगे. वैसे ये करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट इसे नहीं करते हैं, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एज अ सजेशन है ये. लेकिन अगर आपको नहीं सही लगे तो आप नहीं करना चाहें तो आप मत करिएगा. बट या इससे यही है कि इससे ये रहता है कि आपके साइड्स में क्लीननेस आ जाएगी, साइड्स तक कलर पहुँचेगा बिना नीचे गिरे, नीचे गिरने से पहले कलर साइड तक पहुँच जाएगा. अब हम अपना बेस कलर अप्लाई करेंगे.
आप चाहे तो एक बार में कप को लेकर के पलट दें, वो भी कर सकते हैं, या आप चाहे इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब लोग बेस कलर से अप्लाई करते हैं। एक बार जब बेस कलर अप्लाई हो जाए देन फिर आप एक बार ब्रश लेकर के उसको थोड़ा सा मिक्स टाइप से कर दीजिए ताकि वो चारों तरफ ईजिली फैल जा करके, और फिर अभी वो स्मूथनेस उसकी आ जाएगी जब इजिली अपना। तो इसे चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपका बेस कलर पूरे शीट में फैल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी लिक्विडिटी मैंने इतनी सही रखी थी कि मेरे कलर बिल्कुल भी नीचे ड्रॉप नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कलर इतना ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं कि वो कलर पूरा गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी कि कैसे, मतलब वही है कि आप बेस कलर में अगर कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखें एंड मीडियम की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें तो वो प्रॉपरली इस पर अप्लाई होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्लैक कैनवास के भी यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मेरे पास वाइट कैनवास अवेलेबल नहीं था। ऑलरेडी मेरे पास वाइट कैनवास आउट ऑफ स्टॉक है और जो है वो बहुत बड़ी साइज़ है, तो इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ करके मैंने ब्लैक कैनवास यूज़ किया। सो अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी अभी हम डिज़ाइन देना चाहेंगे रैंडमली, हम थोड़ा सा पर्पल इस पर बेस कलर पर डालेंगे। लाइक आप कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं ना तो आप उस हिसाब से उसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसको कितना अप्लाई करना चाहते हैं या क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं। सो देखिए मेरी ऑरेंज की लिक्विडिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, तो ईजिली बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करना है ताकि इसलिए बेस कलर के साथ स्मूथली फैलता जाए। अब हमारा कलर थोड़ा सा फूल के साथ जाएगा। सो अब देख रहे होंगे कि आप ऑरेंज बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑरेंज के मिड में थोड़ा पर्पल डाल सकते हैं, थोड़े वाइट के साइड पर पर्पल डाल सकते हैं। चारों तरफ आप घुमाते रहिए, वो अपने आप ही एक ब्यूटीफुल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये ट्राई करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर आपका शीट पे ही रहे, नीचे ना गिरे, तो उससे क्या है ना बहुत ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आएगा। बस आप अपने डिज़ाइंस के हिसाब से थोड़ा सा इसको ट्विस्ट टर्न करते रहिए ताकि चारों तरफ कलर एकदम प्रॉपरली बैठ जाए। एंड उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि अपने आप भी कोई सुंदर सा शेप ले लेगा या सुंदर से एक अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ले लेगा। और अगर आप कभी डिज़ाइन खुद भी करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं या ड्राई का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी प्रिटी डिज़ाइंस आ जाती हैं और जैसा आप डिज़ाइन चाहेंगे वैसे आ जाते हैं। तो बेसिकली सबसे ईजिएस्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ, मैं कभी आपको स्ट्रॉ और हेयर ड्रायर टेक्निक्स भी बताऊँगी उसे कैसे अप्लाई करते हैं। सो दैट्स डन, मुझे लगता है इनफ है, बट यही है कि इसमें थोड़ा सा पर्पल कम दिख रहा है, सो आई वुड अप्लाई सम पर्पल समवेयर। ऑरेंज एंड ऑरेंज दिख रहा है। तो आप कभी भी जैसे कलर आपको कम लगे या आप और कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको सूखने दें तो उसके ऊपर भी आप दोबारा कलर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑरेंज नहीं अच्छा लग रहा है मुझे कुछ और करना है तो फिर से आप इस पर बेस कलर डालिए, फिर से नेक्स्ट कलर अप्लाई करिए, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं। बस इसे हल्का सा सूखने दें या देन उसके बाद आप अप्लाई करें। मुझे पर्पल की क्वांटिटी थोड़ा कम लग रही थी मैंने थोड़ा बहुत और अप्लाई कर दिया है। सो वी आर डन विद दिस वर्ड, मुझे लगता है अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा कलर आया है। हाँ बस पर्पल की थोड़ी क्वांटिटी कम है बट या इट्स लुकिंग वेरी नाइस, आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। आई शो यू लेट्स सो दैट्स हाउ इट्स कन्वर्टेड। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।